भाई मेरा बाइक से धुआं निकल रहा है क्या इंजन से? यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है? अभी अभी जस्ट भाई कॉल करने के लिए लगाएं कॉल, रिचार्ज भी खत्म है भाई। यार बताओ साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे भाई। तो मैं भी बढ़िया हूँ। सो अभी मैं यहाँ टोल गेट के पास में हूँ और मैं इधर से अभी थोड़ा जा रहा हूँ घर के साइड। तो मैं सोचा थोड़ा इसका फिर से NH 200 का टॉप स्पीड टेस्ट कर लेंगे। तो इधर से अभी चलते हैं भाई डायरेक्ट आगे, और आगे का जो हाईवे है इधर तो चेक कर नहीं पाएंगे, इधर घाटी पहले उतरेंगे। घाटी उतरने के बाद रामगढ़ का जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर चेक करेंगे। तो अभी इधर से चलते हैं भाई, और आप लोग वीडियो को एंजॉय करो, और चैनल पे नए हो तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई, तो देख रहे हो ना पूरा रोड जाम है, और ये रास्ता में तो भाई हमेशा का रिस्क रहता है, तो संभल के ही चलना है अभी इधर से। और इधर से अभी पहुँचेंगे भाई डायरेक्ट हाईवे रामगढ़ का, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई टेस्ट। मुझे नहीं लगता अब हमको मौका मिलेगा भाई। यार इतना ज़्यादा रास्ता में गाड़ियाँ क्यों हैं आज पता नहीं यार, पहली बार इतना गाड़ी देख रहे यार ये रोड में। मेरे को लगा आज हम जीत सकते हैं यहाँ पे टॉप से, यहाँ हमेशा हम जीतते तो चल ही जाता है, बस आज कहाँ से जाएगा भाई। आज तो इतना ज़्यादा गाड़ी है यहाँ पर कि भाई बोले ट्राई करके अगर मौका मिलता है।
भाई आज तो बहुत दिक्कत हुआ भाई, रास्ता पूरा बिल्कुल भी खाली नहीं था। मेरे को लगा था भाई रास्ता खाली होगा तो आज बढ़िया से टॉप स्पीड चेक कर लेंगे अपना बाइक में। ओ भाई मेरा बाइक से धुआं निकल रहा है क्या इंजन से? अरे माँ कसम, ये क्या हो गया? अरे भाई साहब खतरनाक धुआं फेंक रहा है भाई, देख रहे हो? निकल रहा है यार, कैसे आग उग लग जाएगा क्या? ऐसा कैसे हुआ? पहली बार हुआ, बहुत भयानक धुआं फेंक रहा है यार। तुम्हें भी पता चल रहा है, आप लोग भाई कमेंट करो यार। यहाँ से पता नहीं इस जगह पे से अंदर से पूरा भयानक सा धुआं फेंक रहा है, ब्लैक ब्लैक गिर गया है। सीन हो गया यार, ये देख रहे हो भाई खतरनाक धुआं फेंक रहा है। अरे भाई बहुत ज़्यादा हिट हो गया यार भाई, कितना ज़्यादा खींच भी है ना, बट धुआं तो नहीं देना चाहिए यार। हम तो इससे भी ज़्यादा यार खींचे हैं बाइक को यार, ऐसा आग लगने टाइप में पूरा धुआं दे रहा है, कुछ ब्लैक ब्लैक मोबिल टाइप में गिर रहा है क्या पता नहीं, इसको दिखवाना पड़ेगा यार, भयानक सीन हो गया मेरे साथ। चलो सही समय में हम गाड़ी रोक तो दिए कम से कम चेक करने के लिए, पता नहीं और अगर खींचते तो आग लग जाता भाई भाई मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, आखिर हम आप करें क्या? अभी भी बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है यार, मेला हो गया पूरा भयानक वाला यार। आप लोग किसी के पास एनएस है आप लोग को पता है तो भाई कमेंट करके बताओ यार ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। इतना ज़्यादा हिट तो नहीं होना चाहिए यार, इससे भी बुरा बुरा हम बाइक खींचे हैं पूरा। मैकेनिक को कॉल करते हैं फिर आप लोग से बात करते हैं यार, पूरा दिमाग ख़राब हो गया यार मेरे साथ, ये हो क्या रहा है? अभी अभी जस्ट भाई कॉल करने के लिए लगाएं कॉल, रिचार्ज भी ख़त्म है भाई यार, बताओ आप लोग ये सुनो पहले भाई, बैलेंस पर्याप्त नहीं है, अभी जस्ट रिचार्ज ख़त्म हो गया यार, ये क्या सीन हो रहा है मेरे साथ? अब हम करें क्या यहाँ पे, कैसे किसी को कॉल करें, पूरा दिमाग हैंग हो गया यार, फ़ोन भी बिना काम का हो गया। तो भाई अभी तो एक मैकेनिक का कांटेक्ट किए, अभी यहीं सामने में इधर से एक भैया आया था तो उसी का नंबर लेके उसी का फ़ोन से कॉल किए मैकेनिक को, तो भाई वो बता रहा है कि पूछा पहले मैकेनिक मोबिल का चेंज करवा के, ये यार हम गलती एक कर दिए, 10,000 किलोमीटर पे हम अपना बाइक का सर्विसिंग करवाए थे और उसी समय मेरा मोबिल चेंज हुआ था, और अभी बीच में हम करवाए नहीं हैं, 5,000 किलोमीटर चल गया और हम चेंज नहीं करवाए भाई, सो उसी चीज़ का डर है कहीं इंजन में प्रॉब्लम ना आ जाए यार। बाइक को बिल्कुल भी अभी हम लेके यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये पूरा ठंडा ना पड़ जाए। तो अभी यहाँ सामने में इस साइड में गैराज है, वहाँ पर लेके जाएंगे ढकेंगे, क्योंकि हम चालू करके तो भाई लेके नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है बाइक, बहुत ज़्यादा हीट मार रहा है, तो अभी इसको ढकेल के ही ले जाना होगा यहाँ से। तो भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग पे और आप लोग को अपडेट करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे मेरा बाइक के साथ हुआ क्या, और ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।